भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने और किस जगह स्थापित किया? पुर्तगाली, और उन्होंने इसे गोवा में स्थापित किया। स्टेटमेंट नंबर बी, अंग्रेज एवं गोवा। सी, फ्रांसीसी एवं गोवा। डी, डेनिस एवं गोवा। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया, और यह प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने गोवा में लगाया। और जो अंग्रेज हैं, इन्होंने 1684 में अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला, और इन्होंने बम्बई में खोला था। तो सही प्रश्न हो के जवाब होगा पुर्तगालियों ने। और अगर सन की बात करें तो 1557 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक छापी थी। दूसरा क्वेश्चन, गीता रहस्य के लेखक हैं अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बी आर नंदा, या ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। बताना है इस प्रश्न का कि गीता रहस्य जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई। गीता रहस्य पुस्तक अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। प्रश्न का सही जवाब होगा अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है, और अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही अल हिलाल और अल बिलाग जो ये समाचार पत्र थे, इनका भी संपादन किया गया था। अल हिलाल और अल बिलाग और इंडिया विंस फ्रीडम, इन तीनों से अब्दुल कलाम आज़ाद जी संबंधित हैं या इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं या थे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, और निष्क्रिय प्रतिरोध के जन्मदाता भी अरविंद घोष थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है कि शत्रु से लड़ने के लिए शक्ति एकत्र करना, और शत्रु जब हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसके सामने सरेंडर कर देना, और जब शत्रु से मजबूत हो जाओ तो शत्रु से बदला लो या शत्रु पर अटैक कर दो। ऐसा सिद्धांत निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय, बंकिम चंद चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। और अनहैप्पी इंडिया में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश नीतियों के चलते भारत के लोग अप्रसन्न हैं, भारत के लोगों की जो खुशी है उसका स्तर एकदम से ख़त्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे सी आर दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति वाले। सही जवाब होगा इसका दादा भाई नौरोजी। ये मूलतः यह एक प्रकार का निबंध था, और इस निबंध में दादा भाई नौरोजी ने बड़े सटीक ढंग से इस बात का वर्णन किया, इस बात को लोगों के सामने रखा कि किस प्रकार से गलत ब्रिटिश नीतियां भारत को निरंतर गरीब करती जा रही हैं, भारत को तबाह करती जा रही हैं, भारत को बर्बाद करती जा रही हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सर्वाधिक बार यह प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया, दादा भाई नौरोजी, वीर सावरकर, या ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह।
प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगत सिंह ने मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक की रचना की थी। और अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक थे गांधी जी, नेहरू जी, एनी बेसेंट या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। यहाँ एक बात याद रखना है, एक पुस्तक और है जिसका नाम है न्यू इंडिया, ये है यंग इंडिया जिसका संबंध गांधी जी से है, तो न्यू इंडिया का संबंध किससे है, एनी बेसेंट से। और एनी बेसेंट ने ही बस स्टैंड और कॉमन विल पुस्तकों की रचना की है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो संस्थापक हैं वह भी एनी बेसेंट हैं, ध्यान रखना। और होम रूल लीग आंदोलन भी स्थापित किया था एनी बेसेंट जी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं एनी बेसेंट, विलेंटाइन सिरोल, विपिन चंद्रपाल या फिर वीर सावरकर। सही जवाब होगा विलेंटाइन सिरोल। और इसी पुस्तक में विलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति यानी कि भारत में आतंकवाद जैसी घटनाओं के जन्मदाता के रूप में बाल गंगाधर तिलक जी को स्वीकारा था, और बाल गंगाधर तिलक जी ने इन पर मानहानि का केस किया था। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक थे ताराचंद्र, वीर सावरकर, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी जी। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ताराचंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता एवं नैतिकता के लेखक थे वीर सावरकर, पंडित नेहरू, फिर वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान, और साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी सर सैयद अहमद खान जी थे। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक कौन थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा देने वाले। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया आज पार्टीशियन के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण, वही संपूर्ण क्रांति वाले। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब होगा गांधी जी, और गांधी जी ने इस पुस्तक को भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में लिखा था। गांधी जी की कुछ और पुस्तकें जैसे यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारी पुस्तकें गांधी जी से संबंधित हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु के लेखक हैं गांधी जी, वीर सावरकर, हेडगेवार या फिर बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन वाले, करो या मरो का नारा देने वाले राष्ट्रपिता जी। अगला क्वेश्चन है, बहुविवाह पुस्तक के लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित रमाबाई, भरतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुविवाह पुस्तक के लेखक थे, और इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि बहुविवाह से क्या परेशानियां समाज को, महिलाओं को, या वह जो पुरुष है जो बहुविवाह करता है उसे क्या क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वैंगार्ड पुस्तक के लेखक थे एम एन राय, गांधी जी, तारकनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा इस प्रश्न का एम एन राय। अगला प्रश्न है,
संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं पंडित नेहरू, सिराज गोपाल आचार्य, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल, ताराचंद, आरसी मजुमदार और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ताराचंद के द्वारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लिखा गया है या लिखी गई। क्वेश्चन है, होम चार्जर्स का क्या अर्थ था? इंडिया ऑफिस के लिए प्रयोग में लाई गई निधि, स्टेटमेंट नंबर बी, अंग्रेज कर्मचारियों के लिए वेतन एवं पेंशन की निधि। बताना है क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कौन से सही और कौन से गलत हैं, या दोनों गलत या दोनों सही हैं। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया ऑफिस के लिए प्रयोग में लाई गई निधि होम सर्विस के अंतर्गत आती थी, और अंग्रेज कर्मचारियों के लिए जो वेतन एवं पेंशन की निधि थी, वह पेंशन और वेतन की निधि भी होम चार्जेस के अंतर्गत आती थी। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। थोड़ा सा होम चार्जेस जानते हैं। होम चार्जेस करने का जो अधिकार था वह भारत के राज्य सचिव पर था, और यह जो राज्य सचिव था वह इंग्लैंड में रहता था, यानी कि इंग्लैंड में इसका ऑफिस था, और वह भारत के में शासन संचालन के लिए, प्रशासन के संचालन के लिए जो भी व्यय करता था, ऐसे सभी व्यय को होम चार्जेस के अंतर्गत काउंट किया जाता था। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भारत के बाहर युद्ध होते थे, उन युद्धों में जो पैसा खर्चा होता था, उन खर्चों को होम चार्जेस के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता था, और यह व्यवस्था अनवरत रूप से 1919 तक चलती रही। सिंपल शब्दों में समझिए तो यह एक टूल था कि किस प्रकार से भारत के धन को ब्रिटिश लोगों तक या ब्रिटिश तक या ब्रिटेन तक पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है हमारे पास, ब्रिटिश आयात पर दी गई छूट के लिए, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के लिए छूट, ब्रिटिश कंपनी के लिए विशेष छूट, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग, इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हमें आयात शब्द जोड़ा हुआ है और यह आयात से ही संबंधित एक प्रकार की छूट थी। कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिश के बने हुए जो प्रोडक्ट होते थे, जब वह भारत में लाए जाते थे या भारत के द्वारा आयात किया जाता था, और आयात कौन करता था तत्कालीन समय में, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार करती थी, तो ब्रिटिश प्रोडक्टों को बूस्ट करने के लिए और भारतीय प्रोडक्ट को नष्ट करने के लिए, भारतीय उद्योगों को तबाह करने के लिए यह ब्रिटिश इंपीरियल प्रेफरेंस ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें आयात पर, यानी कि जो ब्रिटेन से सामान मंगाया जाता था, उस पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाता था। इसके विपरीत जो भारतीय प्रोडक्ट था, जो निर्यात किया जाता था, उस पर भारी भरकम ड्यूटी लगाई जाती थी, ताकि भारतीय जो प्रोडक्ट है इसकी बिक्री ना हो सके और भारतीय एकदम से ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्र उद्योग स्थापित नहीं हो पाए, इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए, विदेशी पूंजी की बिल्कुल कमी नहीं थी, ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। अगर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती तो ब्रिटिश इतना समृद्ध नहीं होता, क्योंकि भारत के सभी प्राकृतिक संसाधनों, चाहे उसमें हीरा हो, ऐसे सभी प्रोडक्ट को, रिसोर्सेस को प्रयोग करके ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग बने, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। तो ना विदेशी पूंजी की कमी थी, ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी।
अगर विदेशी पूंजी की ही कमी होती तो भारत में शायद रेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि भारत में रेल के निर्माण में या रेल की पटरियों को बिछाने में, रेल के डिब्बों को निर्माण में, रेल इंजन के निर्माण में विदेशी पूंजी की बहुत ज़्यादा भूमिका रही। तो कमी नहीं थी विदेशी पूंजी की, ना रिसोर्सेज कमी थी। हाँ, भारी उद्योगों का अभाव था जिसके कारण से स्वतंत्र औद्योगिक या स्वतंत्र उद्योग स्थापित नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है, भारत में स्तंभदारी व्यवस्था किसने लागू की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलेजली या फिर लॉर्ड कार्नवालिस। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में स्तंभदारी व्यवस्था लागू की। और स्तंभदारी व्यवस्था को ही स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी भी कहा जाता था। स्तंभदारी व्यवस्था को अन्य नामों से पुकारा जाता था, वो नाम थे स्थायी बंदोबस्त, स्तंभदारी, जागीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी। तो क्वेश्चन में स्तंभदारी ना रखकर स्थायी बंदोबस्त भी रखा जा सकता है, मालगुजारी भी रखा जा सकता है या फिर विश्वेदारी भी रखा जा सकता है। इन सभी व्यवस्थाओं को लागू करने वाला कार्नवालिस था और ये स्तंभदारी व्यवस्था के ही अलग अलग नाम थे। दो तीन बातें और इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह जो व्यवस्था थी वह भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू थी। तो यह क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। और कुल मिला के तत्कालीन भारत के 19% क्षेत्र पर स्तंभदारी व्यवस्था लागू थी। तो स्तंभदारी व्यवस्था लागू करने वाला कार्नवालिस कहाँ कहाँ लागू थी? तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भाग, टोटल 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। और इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो जमींदार थे उनको भूस्वामी घोषित कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप जितना भी टैक्स वसूल सकें वसूलें, और उस टैक्स में 10/11 भाग ब्रिटिश कंपनी को दे दें, शेष जो बचता है वह अपने पास रखें। और इस व्यवस्था ने भारतीय किसानों का इतना शोषण किया जिसका वर्णन करना शायद किसी इतिहासकार के बस की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त। इसे किसी भी नाम से पूछे, स्तंभदारी से पूछे, जागीरदारी से पूछे, मालगुजारी से पूछे, विश्वेदारी से पूछे, आंसर क्या होगा? आंसर एक ही होगा जो हमेशा होता है सही वाला, लॉर्ड कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस मुनरो, माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड कर्जन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन और भू राजस्व से पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा जो आप सब जानते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है वह थॉमस मुनरो है। और थॉमस मुनरो के साथ एक लोग और थे जिनका नाम है कैप्टन रीड। कैप्टन रीड मतलब पढ़ने वाले कैप्टन। तो दो लोगों ने मिलकर इसका जन्म दिया, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अब इसको जानते हैं क्योंकि यह ऐसी व्यवस्था थी जो कि स्तंभदारी या परमानेंट सेटलमेंट या विश्वेदारी या जागीरदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बाद लाया गया, क्योंकि जो इसके पहले परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी
इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 19% क्षेत्र पर ही लागू थी, ऐसा तो है नहीं 19% क्षेत्र ही भारत में था, तो अन्य भागों को भू राजस्व व्यवस्था के तहत शामिल करने के लिए, चूँकि 19% क्षेत्र पर लागू थी स्थायी बंदोबस्त, और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और कर्नाटक के कुछ भाग पर ही लागू थी, तो शेष भारत के लिए भी तो कुछ चाहिए व्यवस्था ना। तो शेष भारत के लिए एक व्यवस्था लाई गई, और उस शेष भारत में 51% क्षेत्र पर ही इस व्यवस्था को लागू किया गया, यानी कि रैयत वाली जो व्यवस्था थी वह भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। फिर भी यह भारत के एक विस्तृत भूभाग पर थी, क्योंकि 51% आप देख रहे हैं, 19% पर परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू थी, और 51% क्षेत्र पर रैयत वाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के सबसे बड़े भूभाग पर जो व्यवस्था लागू थी भू राजस्व की, वह कौन सी? तो उत्तर होगा रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मिलकर जन्म दिया। और ये भी पूछा जा सकता है इसके बारे में कि यह मुख्यतः कहाँ कहाँ लागू थी, तो यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों में लागू थी, असम और कुर्ग के क्षेत्र में यह व्यवस्था जो थी लागू थी। अगला क्वेश्चन है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, और यह भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की? इम्पोर्टेंट है, बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में या फिर आगरा में। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे सटीक उत्तर इसका क्या होगा। सबसे सटीक उत्तर इसका होगा मद्रास। लेकिन अगर कभी भी 12 महल जिला दिया हो तमिलनाडु का, और ऑप्शन में मद्रास भी दिया हो, तो सबसे पहले 12 महल को टिक करना, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्तर पर, तो पायलट स्तर पर यह व्यवस्था सबसे पहले 12 महल ज़िले में लागू की गई थी, और 12 महल ज़िला तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आज का, आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसी को ही अपवाह सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, आर्थिक दोहन भी कहते हैं। तो बताना है इसका आंसर। ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण, M.N. राय या फिर गांधी जी। गांधी जी तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, चलो तो हट ही गए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपवाह सिद्धांत या आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जानते हैं यह सिद्धांत क्या था। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत में बताया कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन को ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, और जिसके बदले भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। समझे, समझाता हूँ। यानी कि ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संसाधनों को किसी न किसी रूप में ब्रिटेन भेज दिया जा रहा है, और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। यही सिद्धांत भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया, और दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को आर्थिक दोहन का सिद्धांत कहा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इजारेदारी व्यवस्था के बारे में असत्य कथन चुने। यह 5 वर्षीय योजना थी, अधिक पैसे की बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, असत्य नहीं बल्कि सत्य चुनना है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इजारेदारी व्यवस्था में ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों मैच खाते हैं, दोनों मेल खाते हैं। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए और बी दोनों। जी ने सबसे पहले किस किले को जीता? सिंहगढ़, पुरंदर,
शपा या फिर तिकोना। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? सिंहगढ़ के किले को शिवाजी ने अपनी विजय के क्रम में सबसे पहले विजय बनाई और सिंहगढ़ किले के बाद शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरुजी का क्या नाम था? समर्थ गुरु रामदास, दादा कोणदेव, पंडित गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर डी, अमरदास। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और दादा कोणदेव इनके गुरु नहीं बल्कि इनके संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, पुरंदर संधि के हस्ताक्षरकर्ता थे शिवाजी, मिर्जा राजा जय सिंह, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। पुरंदर के संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यद्यपि मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के सरदार थे, लेकिन उस समय हस्ताक्षरकर्ता पुरंदर की संधि पर यही दो लोग थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। और पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। इसके कुछ प्रावधान हैं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में हैं। आगे अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि के बारे में असत्य चुने। शिवाजी को दो किले मुगलों को देने पड़े। इसी संधि के तहत शिवाजी को राजा की उपाधि मिली। संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी सैन्य सहायता के लिए तैयार हुए। बताना है पुरंदर की संधि में कौन सा एक प्रावधान जो था वह नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सी डी, पुरंदर की संधि जो जून 1665 में हुई उसमें थे। ऑप्शन नंबर ए नहीं था, यही असत्य हो जाएगा। और इसमें शिवाजी को दो किले नहीं बल्कि 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। और इसी संधि के तहत शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने गए तो वहाँ उनका विवाद हो गया। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन आगरा में रखा था, लेकिन शिवाजी अपनी कुशल रणनीतिक और एक कुशल योद्धा होने के नाते उस वहाँ से बच निकले। अगला प्रावधान, शिवाजी की दक्षिणी राजधानी क्या थी? शिवनेर, जिंजी, बीजापुर। ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी की दक्षिण में कोई राजधानी नहीं थी। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिवाजी ने जब दक्षिणी विजय की, खास करके जब उन्होंने तमिलनाडु को विजित किया, तो वहाँ एक राजधानी अपनी गठित की थी, उसका नाम था जिंजी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? रायगढ़, काशी, सिंहगढ़। डी, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और राज्याभिषेक करवाने के लिए उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट को बुलाया था और इसी समय उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का पदाधिकारी संबंधित था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमात्य का कार्य क्या था या अमात्य पदाधिकारी संबंधित था? वित्त एवं राजस्व मंत्री था, दैनिक कार्यों का मंत्री था, राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी, विदेश मंत्री था। बताना है शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसका जो एक प्रधान अधिकारी अमात्य था उसका कार्य क्या था। सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वित्त एवं राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था शिवाजी के अष्ट प्रधान में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का मंत्री वाकिया नवीस किस पद से संबंधित था? गृह मंत्री था, विदेश मंत्री था, धार्मिक मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी, न्याय विभाग का मंत्री था। तो शिवाजी का जो वाकिया नवीस मंत्री था उसे गृह मंत्री भी कहा जाता था, यानी कि यह राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों को देखता था, इसीलिए इसे वाकिया नवीस या गृह मंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में चिटनिस अधिकारी का कार्य क्या था? पत्राचार लिपिक, परगना प्रमुख, जिला प्रमुख। डी, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के प्रशासन में जो चिटनिस नामक का पदाधिकारी था वह पत्राचार लिपिक था, यानी कि पत्रों को लिखने का कार्य, यानी कि एक तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करता था।
अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में सुमंत का पद जुड़ा हुआ था, विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, डी इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के प्रशासन में जो सुमंत पद था यह विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, और कभी कभी सुमंत की जगह दबीर शब्द भी दिया जा सकता है, तो दबीर का मतलब भी विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री से ही था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में स्वराज का, स्वराज प्रदेश का अर्थ था, शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रदेश, शिवाजी के अधीनस्थ क्षेत्र, मंत्रियों को वेतन में दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर डी सेना नायक को दी गई भूमि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था स्वराज भूमि पर। अगला प्रश्न, बरगीर के बारे में सत्य चुने, ये राज्य के नियमित सैनिक थे, ये राज्य के नियमित सैनिक नहीं थे, ये पैदल सैनिक थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये सैनिक थे, अब उन सैनिकों में सैनिक का प्रकार क्या था यही प्रश्न पूछा गया है, तो जो बरगीर ना प्रकार के सैनिक होते थे ये राज्य के नियमित सैनिक होते थे, राज्य की तरफ से ही इन्हें, यानी कि मराठा राज्य की तरफ से, शिवाजी की तरफ से ही इन्हें सारे सामग्री सैन्य से संबंधित प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, सरे नौबत अधिकारी किस पद से जुड़ा हुआ था, घुड़सवार सेना का प्रधान, पैदल सेना का प्रधान, जल सेना का प्रधान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सरे नौबत का जो पदाधिकारी था यह संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में, यहाँ लिखा है केवल शिवाजी के प्रशासन में, शिवाजी के प्रशासन में दरिया सारंग का अर्थ क्या था, जहाजी बेड़े का प्रधान, पैदल सेना का प्रधान, राजस्व अधिकारी, वित्त अधिकारी। तो दरिया सारंग का जो पद था यह जहाजी बेड़ा के प्रधान से संबंधित था, जहाजी बेड़े का अर्थ ये हुआ कि जल सेना। तो एक बात स्पष्ट हुई, अगर ऐसे प्रश्न बने कि क्या शिवाजी के प्रशासन में या शिवाजी जल सेना का निर्माण किए थे अथवा नहीं, यस शिवाजी ने जल सेना का भी निर्माण किया था और उसका जो प्रधान था उसे दरिया सारंग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में देश पांडे अधिकारी जुड़ा हुआ था, गांव के अधिकारी, परगना का अधिकारी, तहसील के अधिकारी या फिर सैन्य अधिकारी से। सही जवाब होगा शिवाजी के प्रशासन में देश पांडे नामक अधिकारी जो था यह गांव का अधिकारी था। इस संधि के तहत पेशवा वास्तविक शक्ति का धारक बन गया, संगोला की संधि, सालाबाई की संधि, पुरंदर की संधि या ऑप्शन नंबर डी सूरत की संधि। बताना है इन किन संधियों में जो मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा था वह पेशवा बन गया, संगोला, सालाबाई, पुरंदर या फिर सूरत। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संगोला संधि के तहत जो मराठा साम्राज्य था उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता था वह पेशवा बना दिया गया। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में महल किसे कहा जाता था, परगने को, जिला को, ग्राम को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। परगने को महल या महल कहा जाता था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में कुलकर्णी का कार्य क्या था, ग्राम की भूमि का लेखा परीक्षण करना, जिला भूमि का परीक्षण करने वाला, प्रांत की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम की भूमि का लेखा परीक्षण का कार्य करता था कुलकर्णी। दूसरा प्रश्न भी इसी में सेटअप हो सकता था कि जो कुलकर्णी अधिकारी था वह किस स्तर का अधिकारी था, ग्राम स्तर का, जिला स्तर का, प्रांत स्तर का या फिर एक तरीके से संपूर्ण मराठा साम्राज्य का। तो सही जवाब क्या होता, ग्राम स्तर का।
अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में चौगुले किस स्तर का अधिकारी था? जिला प्रशासन से संबंधित था, ग्राम प्रशासन से संबंधित था, परगना प्रशासन से संबंधित था, या फिर ऑप्शन नंबर डी तहसील का प्रमुख था? बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जो चौगुले थे एक तरीके से ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे और इनका कार्य अपने ऊपर के अधिकारियों की हेल्प करना भी था। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में मामलतदार अधिकारी का कार्य क्या था? जिले का न्यायाधीश, परगने का न्यायाधीश, प्रांत का न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जिले का न्यायाधीश होता था उसे मामलतदार कहा जाता था और गांव का जो न्यायाधीश था उसे पाटिल या पटेल कहा जाता था और सर सूबेदार जो होता था वह प्रांत का न्यायाधीश होता था। तीन न्यायाधीश हुए, पहला जिले का मामलतदार, गांव का पाटिल या पटेल और प्रांत का सर सूबेदार। अगला प्रश्न है, सरदेश मुखी कर कितने प्रतिशत लगता था? 10%, 25%, 15% या फिर 5%। सरदेश मुखी कर की जो समय सीमा थी वह थी 10% की। अगला प्रश्न है, दिल्ली या मुगल सम्राट पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या फिर नाना साहब। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बालाजी बाजीराव ऐसे प्रथम पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली तक अपने राज्य के पताका को फहराया। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में असत्य चुने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। स्टेटमेंट नंबर बी, इस युद्ध में मराठों की विजय हुई। सी, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी, इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। गिवन हुए चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन है, यही बताना है। तो बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठों पर अटैक किया था, ये भी सही है। सदाशिव राव भाऊ मराठा सेनापति थे। अब इस युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तीन स्टेटमेंट तो सही हो गए, ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो सी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और इस युद्ध में मराठों की विजय नहीं बल्कि मराठे हार गए थे और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के बढ़ते हुए विस्तार को समाप्त कर दिया और वह अखिल भारतीय सम्राट नहीं बन सके। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? सालाबाई की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा प्रश्न का सालाबाई संधि से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और प्रथम तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में, 1775 से 1782 के मध्य में। और ये जो सालाबाई की संधि हुई थी, इस संधि में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो क्षेत्र मराठों ने अंग्रेजों के जीत लिए हैं वो मराठे अंग्रेजों को वापस कर दें और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र मराठों के विजित कर लिए हैं वह मराठों को दे दें। तो मतलब बराबर
हो जाए उनका साम्राज्य और किसी को न लाभ हो न किसी की हानि हो। यह तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में का परिणाम था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में जस्ती पट्टी किस पर लगता था? जस्ती पट्टी कर किस पर लगता था? जमींदारों पर, व्यापारियों पर, पशुपालन पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ती पट्टी जो एक प्रकार का कर था, यह जमींदारों पर लगाया जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने पेशवा पद समाप्त कर दिया? लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम्स जोन्स, विलियम बेंटिंक, या फिर कॉर्नवलिस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। सन याद करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का ट्रेंड है कि कुछ युद्धों को दे देता है और उन युद्धों को क्रम सा व्यवस्थित करने के लिए देता है प्रश्न। मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध दे दिया, फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दे दिया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दे दिया, फिर इसके साथ कोई और युद्ध दे दिया, और कर्नाटक का युद्ध दे दिया, मैसूर युद्ध दे दिया। अब उसमें से व्यवस्थित करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा युद्ध पहले, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। तो कम से कम 10-12 युद्धों के सन याद हो जाएँ तो एक नंबर वो भी कन्फर्म होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत चुने, काम विश अधिकारी चौथ कर वसूलता था। 12 बलूटे को शिल्पी कहा जाता था। गुमिस्ता सरदेश मुखी कर को वसूलता था। ऑप्शन नंबर डी, मीरासदार सैनिक वर्ग था। एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, उसी गलत स्टेटमेंट को हमें बताना है। काम विश अधिकारी का कार्य क्या था? चौथ कर वसूलना, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 12 बलूटे को शिल्पी कहा जाता था, एक शिल्पी वर्ग था, क्या उस शिल्पी वर्ग को 12 बलूटे कहा जाता था मराठा सम्राट में? यस, कहा जाता था। अगला है, गुमिस्ता सरदेश मुखी कर वसूलता था। सरदेश मुखी कर कितने परसेंट लगता था? 10% और चौथ कर 25%। तो सरदेश मुखी कर को वसूलने का कार्य गुमिस्ता नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो एक ही बचा जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है। मीरासदार एक सैनिक वर्ग नहीं था, बल्कि ये एक जमींदार काश्तकार या फिर एक किसान थे, और शिवाजी के काल में इन लोगों को कर मुक्त कृषि करने का अधिकार था, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। अगला प्रश्न, शिवाजी ने विदेशी सैनिक भर्ती किए, इन सैनिकों को देश के सैनिक से कम वेतन मिलता था। दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं। शिवाजी ने क्या विदेशी सैनिक भर्ती किए थे? यस, शिवाजी के सैनिक में जो सैनिकों का वर्ग था उसमें से एक विदेशी सैनिक वर्ग भी था, और इन सैनिकों को वेतन देश के सैनिकों से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही मिलता था। तो एक बी स्टेटमेंट गलत हो गया, ए सही हो गया। तो केवल ए सही वाला कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी।